हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैंने आज लूज नाइट सूट पहना है, तो मैंने सुबह से नहाने के बाद यही पहना हुआ है क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल है, काफी लूज है। और ये जो मैंने खरीदा था ना, तो मैंने साइज आई थिंक इसका एल ही है। और ये मिंत्रा से लिया था मैंने, मिंत्रा में सेल थी, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा लिया था। 1100 का ये नाइट सूट मिला था मुझे, और साइज जो था वो ऑटोमेटिकली डबल आ गया। उस टाइम मुझे साइज बड़ा नहीं चाहिए था, इस टाइम मैंने इसे लिया था, पर फिर भी बहुत कंफर्टेबल है। और आई थिंक नाइट सूट जो आपके रहते हैं उनके साइज बड़े होने चाहिए। तो मैं किचन में आई थी, थोड़ी किचन क्लीन कर रही थी, तो आलू चढ़ा रही हूँ मैं। मैंने सुबह आलू और सोयाबीन की सब्जी खाई, और दोपहर में मैंने काले चने जो थे उसमें प्याज टमाटर और खीरा बहुत अच्छे लगते बॉयल करके, और उसे बना के आप खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। काले चने अच्छे भी रहते हैं। और मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, जैसे फ्राइड, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। और मुझे पता है मुझसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत अनहेल्दी खा रही हो, तो मैं हेल्दी भी खा रही हूँ, अनहेल्दी भी खा रही हूँ, मैं बाहर भी खा रही हूँ आजकल, पर अभी मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया। मैंने बर्थडे पे खाया था छोले भटूरे, और उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल थाली खाई थी, मतलब रात के डिनर में मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया था। तो मैं बना रही हूँ आज समोसे। बाहर से मंगा सकती थी, पर मुझे लगा यार ठीक है, अगर हम थोड़ा सा अनहेल्दी खा रहे हैं तो घर में बना के खा लो, तो एटलीस्ट ये पता रहेगा मुझे कि मैंने उसमें क्या डाला है। तो मैं आलू उबालने रख रही हूँ, और साथ में चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से भूख लग रही है। तो मैं चाय और बिस्किट लूँगी क्योंकि दूध मैं ले चुकी हूँ, और मैं ना सोते टाइम दूध लूँगी, तो मैं सोने जाऊँगी तब आई मैं दूध दोबारा नहीं लूँगी। तो मैं चाय चढ़ा रही हूँ, एक जगह आलू चढ़ा रही हूँ समोसे के लिए। आलू समोसे बनाएंगे गर्मा गर्म। मैं ना मैदा और सूजी का आटा गूंथ के बनाती हूँ, और गोलगप्पे जो हैं वो मैं कल परसों में बनाऊंगी क्योंकि मुझे स्टोर करके रखने हैं, कि कभी कभी मुझे जो क्रेविंग होती है तो वो एयरटाइट कंटेनर में मैं स्टोर कर दूंगी, तो जैसे मुझे क्रेविंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो मैं एटलीस्ट उसे खा सकूँ। मैं ले आई हूँ चाय, इस चाय पे मलाई जम गई है, मुझे मलाई वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, इसमें मलाई ज़्यादा थी ना ऊपर। मैं थोड़ा सा बिस्किट लूँगी, दो बिस्किट। मजे की चाय बनी है, बस हो गए मेरे बिस्किट, में रख के आती हूँ उसे। और मैं अपने बालों में ना तेल लगा रही हूँ, आलू उबल गए, गैस बंद करनी है। तेल 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 तो मैंने बाल ना बांध दिए थे, और मेरे बालों में हल्का सा तेल आ गया था, और जो बाल है मेरे वो मतलब स्कैल्प है वो ऑयली हो रही है, और साथ में मुझे थोड़ा डेंड्रफ भी हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो जब डेंड्रफ होता है तो आप सरसों का तेल लगा सकते हैं नींबू डाल के, पर मैं अभी सरसों का तेल नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतना डेंड्रफ नहीं है, वो एक मसाज में ऑटोमेटिकली ऑयल से चला जाएगा। बहुत सारी पिल्स हैं,
क्या चैन मिला। तो मैं लाई हूँ ये आंवला हेयर ऑयल और पैराशूट, ये जमा हुआ है तो ये नहीं, मैं आंवला यूज कर रही हूँ, ये डाबर आंवला। और मैं बहुत अलग अलग प्रकार के तेल यूज करती हूँ, मैं कोई एक तेल यूज नहीं करती हूँ अपने बालों के लिए। ऑयलिंग मैंने कर ली है, तेल लगा के छोटी बना ली है। तो मैंने बहुत टाइम से बाल नहीं कटवाए हैं बाहर, और मैंने अपने बाल लॉकडाउन में आई थिंक मार्च अप्रैल या मई खुद ही काटे थे। आप लोग को याद होगा लेयर कट मैंने एक वीडियो भी शूट करी थी। तो मुझे ना बाल कटवाने हैं, बट मुझसे कुछ लोग बोल रहे बाल नहीं कटवाना, वैक्सिंग नहीं कराना, तो मुझे बहुत श्योरिटी नहीं है कि मुझे क्या कराना है क्या नहीं कराना, तो मैंने बाल नहीं कटवाए हैं। और वैसे पता मुझे चल जाते हैं, मैं बहुत बहुत टाइम तक बाल नहीं कट पाती हूँ, लाइक एक डेढ़ साल हो जाते हैं, दो दो साल हो जाते हैं, मैं मतलब कैची तक नहीं लगवाती हूँ, तो मुझे ऐसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर नहीं कटवाऊंगी तो। वैक्सिंग का मुझे लग रहा था ये क्या करूँ, तो पता नहीं यार वैक्सिंग का क्या करना है। तो मेरी चाय अभी भी फिनिश नहीं हुई है, मैं चाय फिनिश करती हूँ। राजा ने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया है। इन्हें क्या किया है अब आप बताएंगे अपने शब्दों में या मैं बताऊं? ये देखिए पता है, ये मेरे को पता है जो डकारे वकारे मारते हैं ना ब्लॉग के बीच में, वो लोग बड़े बुरे लगते हैं। मैं राजा की जितनी डकारे होती है या मैं जितनी बार खुद बोलते बोलते, क्योंकि मेरी तो कंडीशन ऐसी कि मैं बहुत डकारे लेती हूँ, तो मैं वो सब काट देती हूँ। मेरे दो चार फ्रेंड्स आ गए थे, तो अब उनमें से एक दो को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, उन्होंने दिन भर से कुछ खाया नहीं था। उन्होंने बोला चलो कुछ ऑर्डर कर दो, तो मैं कर दो, तो जोमेटो से उन्होंने कुछ ड्रिंक्स वगैरह और सैंडविच वगैरह। ड्रिंक्स इन व्हाट सेंस? ड्रिंक्स ड्रिंक मतलब लाइक, अब जोमेटो से ड्रिंक में भैया वो नहीं आती वाली ड्रिंक्स, पागल जोमेटो देगा क्या अपना? अच्छा मुझे नहीं पता था। हाँ अरे वो शेक ऑर्डर हुए थे मतलब, तो ब्रुक्स कैफे है जहाँ उस दिन, हाँ उस दिन जब हम लोग आ गए थे ना, कहाँ गए थे मेरे को, फूड फैक्ट्री, फूड जंक्शन नहीं है, फैक्ट्री फूड जंक्शन या ब्रांड फैक्ट्री नहीं, फूड जंक्शन या कुछ भी, कुछ जो है यार पता नहीं, जहां उस दिन वीडियो गोलगप्पे वगैरह खाए, गोलगप्पे वगैरह खाए थे, तो वहां की एक ब्रांच यहां पे भी है विजयनगर में, तो वहां से मैंने जो उस दिन शेक किया था ऑर्डर वो आज कर दिया था। और यहाँ की ब्रांच से जब मैंने शेक ऑर्डर किया तो वो इतना ज्यादा हैवी था, इतना ज्यादा कि मैं क्या बताऊं, वहां इतना हैवी नहीं मिलता, तो वो और दो तीन सैंडविच खाए, तो
बाद ऐसी हालत हो रही है, ऐसा मेरे को आके अपना गैस की गोली खानी पड़ रही। वो तो मैं ये हॉल समेट रही थी तो मैंने यहाँ से लाइट्स निकाल रही थी, तो मैंने वो आलू भुने नहीं थे मटर डाल के, वरना वो पूरी तैयारी कर दी होती। तो ये आए हैं ना, फिर ने बोला यार नहा हो पाएगा, समोसे वगैरह नहीं हो पाएंगे, और हैवी हो जाएगा समोसे वगैरह खाएंगे। तो मेरे को लगा कि मैं अपने लिए आलू के पराठे बना लूंगी, अगर इन्हें कुछ खाना होगा, लगता नहीं है कि ये खाएंगे। और इतने सेल्फिश है, इतना सारा वो पी के आया शेक, बोले इतना सारा था यार पिया ही जा रहा था। मैंने बोला आधा ले आते मेरे लिए, पूरा ही ले आते, आधा पाप पड़ा तुम्हें। अच्छा पाप पड़ा है, अकेले अकेले खा पी लिया इसलिए। ऐसे मैं खाता पीता कौन है, अकेले कभी खाता पीता हूँ। नहीं खाते, अब आए हैं कोई तो खाएंगे। अब उन्होंने कर दिया ऑर्डर तो मैं खा लिया। अच्छा भी लगता है ना आपके पास कोई आया है, फिर आप वैसे करो नहीं यार हम नहीं खा रहे, तो खा ले। तो अब आलू जो है मैं प्याज और मिर्ची उर्ची काट के पराठे वगैरह बना लूंगी अपने लिए, और आपको खाने होंगे तो आप भी खा लेना, दही रखिए। अब ये आलू के पराठे बनाए मैं ना खाऊं, राजा बोले थे मेरी टी शर्ट रिपीट हो गई, मैंने बोला मेरे तो कपड़े ही रिपीट होते हैं आजकल, टी शर्ट रिपीट हो गई। तो अब यही है बस, अब मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। बस पता है क्या होता है ना, आपको एकदम से इच्छा होती है और एकदम से आपकी इच्छा जो है ना वो हो जाती है। मेरा बिल्कुल अभी मन नहीं कर रहा है समोसे खाने का, उस टाइम मेरा मन कर रहा था, मेरी आँख पड़ गई वाली। और उसका मतलब क्या होता है, उल्टी पड़ गई। उल्टी पड़ना वैसे तो लड़कियों के लिए बोलते हैं उल्टी पड़कना अच्छी होती है, पर मेरे लिए उस टाइम तो कोई गड़बड़ हुई थी, पर अच्छा अभी तो ऐसे ही पड़ गई है। मेरे पास कम से कम ना एक दो नहीं चार कॉमेंट आए होंगे कि मैं अपने बर्थडे पे जब मैं थोड़ी उदास थी उस दिन, मैं इसलिए उदास थी क्योंकि बहुत नॉर्मल था। अच्छा, ओके, और मेरे को मतलब तुम्हारे अगर आपको अपना वैसे पैसों से प्यार है, मतलब इस तरह से कि मुझे पैसों से और इन सब चीजों से प्यार है, बहुत सेल्फिश और ये सब बहुत सारे कमेंट्स आए। तो आपको क्या लगता है, मैं ऐसी तो हूँ नहीं सबसे पहले तो, और सेकेंडली ये बात है कि मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो वो हाँ ये मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा था कि मुझे पैसों से प्यार है, तो मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं करती यार। तुम्हें सच में लगता है मेरे को पैसों से प्यार है? पैसों से डॉलर से डॉलर में कमाती है ना गंदे हो तुम, पैसों में क्या होगा, डॉलर से प्यार नहीं बताओ कैसे प्यार ये पैसों में, आपको सही बात बताऊंगा, अगर पैसे में इंटरेस्ट होता ना तो मैं अपना सेकंड चैनल भी चला रही होती आज। नहीं, ये पैसों में इनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, इनके जो यूट्यूब से भी पैसा आता है ना वो इनको मालूम तक नहीं रहता कि इनके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, आता रहता है। मेरे अकाउंट के एटीएम तक नहीं, मैं यूज ही नहीं करती, पता नहीं वो बोला जो मतलब मुझे लैविश और उससे प्यार है कि मुझे गिफ्ट्स मिले, ये मिले यार अपने बर्थडे पे देखे, हर किसी को चाहिए होता है गिफ्ट मिले, कोई नहीं चाहता कि उसका बर्थडे एकदम फीका फीका बने, जो कि हर लड़की चाहती है। अब किसी को लग रहा है ना तो हम एक सोच। अच्छा आपके अकाउंट में कितना पैसा आपको मालूम है? इनको मालूम तक नहीं होगा इनके अकाउंट में कितना पैसा है, ये YouTube से भी पैसा आता है, ये देखती तक नहीं है कि अपना कितना। हाँ इन्हें मालूम रहता है कितना आ रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अकाउंट चेक कर रही है या और, क्योंकि वो जो इनका अकाउंट है हम लोग यूज करते ही नहीं है, टोटल अपना उसको सेविंग में करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था हमारा जो घर है, घर के खर्च कुछ वो जो है वो पूरा खर्चा आ जाता है, तो ऑब्वियसली फिर मेरा पैसा क्यों यूज होने वाला है, तो इसलिए मेरे को पता ही नहीं होता ना, मेरे को इंटरेस्ट है पैसों का। पैसा हम लोग सोच के रखा है कि कुछ बड़ा, जब कुछ जैसे हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या कुछ भी, कुछ जहाँ लाखों रुपए खर्च हो रहा होगा तब इनका अकाउंट को झांकेंगे कि उसमें कितना जमा हो गया है, समझ लो, ठीक है, तब झांकेंगे, अभी जमा हो जान दो जितना हो सके, दो पांच दस लाख, दस करोड़, बीस करोड़, अब इतना भी नहीं है। ये जो है ना यहाँ पे राई भुन रही है, और ये है प्याज, हरी मिर्ची और आलू जो है ये मैं मैश कर रही हूँ। तो आज ना मैं थोड़े से डिफरेंट बनाना चाह रही थी, मैंने ना मैं वैसे कच्चे में डाल देती, जैसे इसी में मैं डाल देती इसे और ऊपर से मसाले ऐड कर देती, पर मैंने कुछ कुछ लोगों को देखा कि वो फ्राई करके आलू बनाते हैं, तो जो आलू फ्राई करते हैं ना तो टेस्ट और अच्छा आता है आलू के पराठे का, थोड़ा कच्चा मसाला आता है, आलू भुने हुए लगते हैं। तो इसमें बस मैं अभी नमक नहीं डालूंगी क्योंकि नमक से आलू में नमी आ जाएगी, नमक मैं बाद में मिक्स करूंगी जब पराठे मैं बेलना शुरू करूंगी उस टाइम पे मैं नमक मिक्स करूंगी, अभी नहीं, तो नमक नहीं डालना है बस। बाकी आप जैसे आलू फ्राई करते हैं ना वैसे फ्राई करना है। बहुत सारी हरी मिर्ची है,
इसे मैं अच्छे से फ्राई कर दूंगी और अच्छे बनेंगे, बताइए मेरे को लग रहा है। कुछ लोग फ्राई करके बनाते हैं, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मेरा मन कर रहा था कि मैं डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँ। अब देखिए समोसे तो हो नहीं पाए, ठीक है, समोसे के लिए फ्राई होता, अब समोसे नहीं हुए तो ऐसे ही फ्राई करके आलू हम पराठा बनाएंगे। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि अगर आपके आलू बचते भी हैं, ठीक है, सुबह के लिए, तो आप ब्रेड के बीच में डाल के सैंडविच बना के खा लीजिए, वो भी यूज हो जाएगा। और अगर आप रोटी पराठा भी खा रहे हैं तब भी ये एज अ सब्जी चल जाएगा। राजा ने मना कर दिया खाना खाने से, अच्छा मैंने इसे फ्राई कर दिया था। अब इसमें नमक डाल रही हूँ और ये फलौसन है, ये घी है और ये है। गुड मॉर्निंग, तो मैंने शावर ले लिया है, मैं नहा के चेंज करके बाल धो लिए थे, तेल लगाया था और लिप बाम लगा लिया, और चेहरा मैंने अभी प्लेन ही छोड़ा है क्योंकि मैं मेकअप देखूंगी अगर मेरे को शायद कुछ शॉपिंग करने जाना हो, क्योंकि मुझे कुछ सामान घर का लाना है, तो अगर मैं गई तो मेकअप करूँगी और अगर नहीं गई तो मैं कोई मेकअप नहीं करूँगी, क्योंकि राजा ने रात में खाना नहीं खाया था। एक्चुअली मैं बैठना चाहती हूँ, मेरा कंधा दुख रहा है, क्योंकि राजा ने रात में खाना नहीं खाया था तो वो आलू बच गए थे, तो अब मैं उस आलू का सैंडविच बनाने जा रही हूँ। और सैंडविच और क्या पीऊँगी, मैं सोच रही हूँ दूध पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मैं सोच रही हूँ अभी नहीं पीती, शाम वाम को देखूँगी। अगर मैंने अभी चाय पी ली तो मैं शाम की चाय नहीं पी पाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, या तो एक, या अगर बहुत हो गया तो दो, ठीक है, दो से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं और एक से ज़्यादा ही नहीं करनी है मुझे। मैं बनाऊँगी वो सैंडविच। घर मैंने पूरा साफ़ कर दिया, मतलब मेरा कोई भी एरिया घर का नहीं फैला हुआ है। वॉशरूम साफ़ करना था, पर मैं सोच रही हूँ वॉशरूम साफ़ करने के लिए मैं किसी को लगा लेती हूँ, क्योंकि पूरा घर साफ़ करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मेरे लिए वॉशरूम साफ़ करना मुश्किल है, क्योंकि वॉशरूम को थोड़ा रगड़ के वो करना पड़ता है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए हफ्ते में डीप क्लीनिंग के लिए किसी को लगा लेती हूँ, जो वीकली आके एक बार डीप क्लीनिंग कर दे, और बाकी वगैरह जो है हम लोग वाइपर वगैरह से कर दें। तो एक डीप क्लीनिंग के लिए मैं सोच रही हूँ। और एक चीज़ और हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा सफाई का कीड़ा घुस गया है, मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अगर मुझे लगता है कि मैं बोर हो रही हूँ या मैं कहीं से भी वो होती हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मैं काम कर लूँ, और आजकल मुझे काम करना इतना अच्छा लगता है ना कि घर का एक एक सामान उसकी जगह पे रहे, मतलब कहीं पे भी कुछ वो ना हो। तो अभी घर काफ़ी साफ़ है और मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, तो आज मैं थोड़ा आराम ही करूँगी। तो मुझे एक काम मिल गया है, मेरा सोफ़ा मैंने कल कवर उतारे हैं और यहाँ पर सोफ़े पर डस्ट है, तो मैं वैक्यूम लगा सकती हूँ। मेरी वैक्यूम क्लीनिंग मैंने बहुत टाइम से नहीं करी है, 3 महीने आई थी, मैंने लास्ट वैक्यूम दिवाली के आसपास किया होगा, तो मैं वैक्यूम क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे सोफ़ा क्लीन है पर ये कॉर्नर से डस्ट है, क्योंकि डस्ट तो आती ही रहती है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बस हाँ।